तो गाइज एक महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक है टोक्यो रेवेंजर्स के गेम के बारे में। तो भाई टोक्यो रेवेंजर्स का गेम अनाउंस हो गया था 18 दिसंबर 2021 को और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ। कम से कम एक महीने से मैंने सारी डिटेल्स लिख के रखी थी बट टाइम नहीं मिल रहा था बनाने का। तो बाद में फिर सोलो लेवलिंग का बना दिया मैंने लिख के और मेरे को लग रहा था भाई यार ये शायद ही चलेगा वीडियो और अभी भी कोई गारंटी है चलेगा कि नहीं। और अगर आपने टोक्यो रेवेंजर्स नहीं देखा है तो भाई मैं सजेस्ट करता हूँ देख लो, 10 घंटे के अंदर अंदर तुम पूरा एनीमे देख लोगे, 24 एपिसोड्स का। मैंने इतने में ही देख लिया था क्योंकि तो भाई इसका ये गेम बना रहा है, मतलब ये गेम गुड राइट बना रहा है जो कि नॉर्मली हाइपर कैजुअल और एनीमे बेस्ड गेम्स बनाता है। और ये गेम iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए रिलीज होगा। PC के गेम्स तो आजकल भाई मतलब ऐसे ऐसे बड़ा बनाते हैं नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे PC के गेम्स बनते हैं आजकल। तो भाई टोक्यो रेवेंजर्स एक बहुत फेमस एनीमे है जिसमें 24 एपिसोड्स है, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा और कोई भी इलीगल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। लीगल की तो बात ही छोड़ो, उसको तो मिलना ही है। और ये इसको मतलब 3rd प्राइज मिला था जापान में ईयरली मांगा रैंकिंग्स में और भी अलग अलग अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं। और ये गेम की स्टाइल होने वाला है भाई नेशनल कॉन्क्वेस्ट पजल टाइप गेम, तो मतलब कोई ज़्यादा एक्शन एडवेंचर इस टाइप का नहीं है, थोड़ा सा क्लासिक ही थोड़ा सा पजल टाइप गेम है जैसे कि कैंडी क्रश। तो अगर तुमने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है और मेरे को जानते हो तो भाई सब्सक्राइब तो कर रखा होगा, अगर नहीं जानते हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम चाहो तो मेरे दूसरे चैनल पर भी जा सकते हो जिसका नाम रखा है मैंने MadAMVEditX। यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, उस पर एक नया वीडियो है देखना, उस पर मैं AMV टाइप वीडियोस बनाऊंगा। और देखते हैं जल्दी एक शॉर्ट उस पर डालूंगा, इस पर भी डालूंगा। और भाई बहुत कुछ काम चल रहे हैं क्योंकि 2 चैनल हो चुके हैं तो जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा मेरे को, और कंटेंट तो ढूंढ ही रहा हूँ मैं पूरे टाइम से। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ एक चीज़ रह गई, थोड़ी सी चीज़ रह गई, जो एंड तक वीडियो देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। टोक्यो रेवेंजर्स के गेम की रिलीज डेट हो सकती है भाई mid 2022, मतलब मई जून जुलाई के आसपास आ सकता है। और हाँ टोक्यो रेवेंजर्स सीजन 2 की भी शायद डेट्स सितंबर के आसपास आ जाना चाहिए, मेरे को जितना मालूम है, मैंने इतनी रिसर्च की थी। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो तुम्हारा फ़ायदा है, तो यहाँ तक वीडियो ही देखा करो अगली बार से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।